देते हैं मैनपुरी से बड़ी खबर। झूठी शान के खातिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने किया शिवानी हत्याकांड का खुलासा। हत्या को आत्महत्या बता रहे थे शिवानी के परिजन। शिवानी की मां और चाचा गिरफ्तार। झूठी शान के खातिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, मैनपुरी से खबर। 26 सितंबर को संदिग्ध अवस्था में हुई थी मौत। शिवानी की गला दबाकर हत्या करी गई थी, लेकिन परिजन लगातार इस हत्या को आत्महत्या करार करने में कोशिश कर रहे थे। झूठी शान के खातिर हत्या की वारदात को अंजाम, पुलिस ने किया शिवानी हत्याकांड का खुलासा। गला दबा करके शिवानी की हत्या करी गई थी, लेकिन लगातार जो शिवानी के परिजन थे वो इस हत्या को आत्महत्या करार कर रहे थे। शिवानी की मां और चाचा ने हत्या करी थी झूठी शान के खातिर। शिवानी की हत्या करी गई, लेकिन लगातार इस हत्या को आत्महत्या करार किया जा रहा था। 26 सितंबर को संदिग्ध अवस्था में शिवानी की मौत हुई थी, शिवानी का गला दबा करके हत्या की गई थी। झूठी शान के खातिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, मैनपुरी से खबर बता रहे हैं आपको। पुलिस ने किया शिवानी हत्याकांड का खुलासा। ग्राम घुटा रहते हैं, वैसे इटावा पढ़ने गए थे हम। कौन सी क्लास? 11th में है। आपके घर में कौन कौन रहता है? मम्मी है, छोटा भाई था और दीदी थी। ये मम्मी और छोटा भाई चारा लेने गए थे खेत से। दीदी क्या उम्र थी? 13-14 साल। क्या हुआ, क्या सूचना मिली? छोटे भाई ने फोन किया कि दीदी एक्सपायर हो गई हैं, फिर वहाँ से आए। कैसे एक्सपायर हो गई ये नहीं बताया था। दिनांक 26/9/2020 को एक महिला जिनका नाम रेनु, उन्होंने सूचना दिया कि मेरी पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस सूचना पे थाना बेवर की स्थानीय पुलिस वहाँ पे गई। जरूरी जांच करने के बाद उस मृतक लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया। ग्राम घुटा रहते हैं, वैसे इटा पुलिस ने किया शिवानी हत्याकांड का खुलासा। झूठी शान के खातिर शिवानी की हत्या कर दी गई, और उसके बाद लगातार परिजन हत्या को आत्महत्या करार करने में लगे हुए थे। आपको बता दें 26 सितंबर को शिवानी संदिग्ध अवस्था में मिली थी, जिसके बाद परिजनों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि शिवानी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन आज पुलिस ने शिवानी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। झूठी शान के खातिर शिवानी की हत्या करी गई थी, शिवानी की गला दबा करके हत्या की गई थी। झूठी शान की खातिर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पूरी खबर आपको मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां पर चाचा और मां ने मिलकर के शिवानी को मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद लगातार परिजन इस हत्या को आत्महत्या करार करने में लगे हुए थे, लेकिन आज पुलिस ने शिवानी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे।